नमस्ते, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मैडम, मेरा नाम बालू भाई पटेल है और मैं सौराष्ट्र से आता हूँ। यहाँ बड़ोदरा प्रवीण ओके, पटेल के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। 8 दिवस हो गया है। ओके। आपको किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है और आप हफ्ते में कितने बार डायलिसिस हाँ, कराते थे? किडनी का प्रॉब्लम 2 साल से है। डायलिसिस हफ्ते में 2 बार अच्छा, कराता अभी हफ्ते में 2 बार कराते थे, तो डायलिसिस के 2-3 दिन के बाद क्या क्या तकलीफ होती थी आपको? था। 2-3 दिन बाद शरीर में पानी ज्यादा जमा हो जाते हैं स्वेलिंग हो तो जाता तकलीफ था, तकलीफ हो जाती है। यूरिन जमा होता यूरिन है। जमा होता था। हाँ, और सांस लेने में कैसा श्वास था? लेने में पानी जमा था तो श्वास लेने श्वास में लेने में भी भी तकलीफ तकलीफ होती थी, होती थी। थकावट हो जाती थी। हाँ, ओके, अभी लास्ट आपने डायलिसिस कब किया था? 1 तारीख को किया था। 1 तारीख को किया था, आज 7 तारीख हो गए, 7 दिन। आज 7 दिन आप हमारे यहाँ हो, 7 दिन में आपने एक भी और डायलिसिस नहीं किया, मैं डायलिसिस किया नहीं है तो भी कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है, सांस नहीं फूली आपकी नहीं, नहीं, श्वास नहीं और कोई फूल भी स्वेलिंग नहीं है? मैं आपके ना। चेहरे पे देख रही हूँ, कोई स्वेलिंग नहीं है। पहले आपका बीपी बहुत हाई होता था, 200 के करीब होता हाँ, था, 170 से 210-215 तक तक जाता था था। अभी 7 दिन में आपका बीपी अब। कैसा हाँ, है? 140 से 160 तक आ गया मतलब है। नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल हो गया। तो आप और खुश हो? डायबिटीज भी 200-300 रहता था, वो 100 से 125 हो अरे गया। वाह, वेरी गुड। मतलब हाँ डायबिटीज भी आपका एकदम हाँ नॉर्मल हो गया, बीपी भी हाँ नॉर्मल हो गया हाँ और कोई भी तकलीफ नहीं है नहीं है विदाउट डूइंग एनी डायलिसिस, ना। तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आप हमारे हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हो और आपको आनंद है इसके लिए? यहाँ के नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स सभी का अनुभव अच्छा हुआ है। यहाँ ट्रीटमेंट भी बड़ी अच्छी मिलती है और आत्मविश्वास रखो तो काम भी सारा होता है और शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है। तो अभी आप आनंदित हो? हाँ, पूरे पूरे आनंदित है। ओके, थैंक यू।